इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने फोन में किसी का भी WhatsApp स्टेटस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि WhatsApp के टॉपिक पर हमारे चैनल पर 45 से ज्यादा वीडियोस हैं। आप स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आई के निशान पर क्लिक करके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। कई बार हमें किसी का WhatsApp स्टेटस पसंद आता है, पर वो वीडियो होता है, इसलिए उसका स्क्रीनशॉट लेने में, कैप्चर करने में दिक्कत आती है। तो फिर उसे कैसे डाउनलोड करें, क्या तरीका है? इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp का स्टेटस डाउनलोड करने के दो तरीके बताऊंगी। पहले तरीके में आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं है, आप फोन की सेटिंग्स में से स्टेटस सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये है मेरा फोन, यहाँ पर ऊपर है सर्च फोन, तो मैं इधर डाल देती हूँ फाइल, और ये देखिए यहाँ पर आ गया माय फाइल्स। कुछ फोन्स में फाइल मैनेजर होगा, चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब है इंटरनल स्टोरेज, इधर क्लिक किया और इंटरनल स्टोरेज में आपको सारी फाइल्स दिख जाएंगी। ये है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के फोल्डर को क्लिक करके खोल लिया और यहाँ पर आपको जाना है मीडिया के फोल्डर में, चलिए इधर भी क्लिक कर लेते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको कोई स्टेटस नहीं दिख रहा है। चलिए पहले हम जाते हैं WhatsApp पे और फिर यहाँ पर हम वापस आएंगे। इसकी भी एक वजह है जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। यहाँ से बाहर आए, ये रहा WhatsApp, WhatsApp खोला, ये ऊपर है स्टेटस, स्टेटस पर गए, ये है एक स्टेटस, चलिए इधर क्लिक कर लेते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है, कुछ 5-6 सेकेंड्स का, इसको प्ले होने दिया। फिर ये एक फोटो है, इस पर क्लिक करके इसे भी पूरी तरह से देख लिया। तो ये दो स्टेटस हमने देख लिए। अब वापस यहाँ से बाहर आए, माय फाइल्स पर गए, इंटरनल स्टोरेज, व्हाट्सएप, मीडिया, और फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो अभी भी स्टेटस नहीं है। यहाँ ऊपर 3 डॉट्स हैं, इधर क्लिक किया तो मेन्यू खुल गया और यहाँ पर हमें जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर क्लिक कर लिया और इधर नीचे आपको दिखेगा शो हिडन फाइल्स, ये फिलहाल ऑफ है, आपको इस बटन को ऑन करना है। अगर आपके फोन में ये पहले से ऑन है तो आपको ये नहीं करना होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। चलिए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेटसेस, इधर क्लिक कर लिया और ये देखिए ये वही स्टेटस है जो आपके फोन में अभी आपने व्हाट्सएप पर देखे थे। ये वो वीडियो है और ये है वो पिक्चर। अब अगर आप चाहें तो आप इस स्टेटस को शेयर कर सकते हैं। ये देखिए हमने इधर क्लिक किया और ऊपर शेयर आ गया। यहाँ पर देखिए इधर क्लिक किया तो यहाँ पर कॉपी है, रीनेम है, मूव है, आप इसका फोल्डर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने इसे कॉपी कर दिया और ये पूछ रहा है कॉपी टू, तो हम इंटरनल स्टोरेज क्लिक करके और यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया क्रिएट फोल्डर, इसका नाम रख देती हूँ स्टेटस, स्टेटस फोल्डर, और क्रिएट पर क्लिक कर दिया तो ये इधर आ गया स्टेटस फोल्डर, डन पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हमने ये स्टेटस एक नए फोल्डर में सेव कर दिया। चलिए यहाँ से बाहर आते हैं और देख लेते हैं, ये रहा इंटरनल स्टोरेज का फोल्डर, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो अभी हमने नया फोल्डर क्रिएट किया था वो है या नहीं। ये रहा स्टेटस फोल्डर जो आज ही क्रिएट हुआ है और ये देखिए ये रही वो फाइल, ये वो इमेज है जो हमने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करी थी। अब अगर ये तरीका आपके फोन पर ना काम करे या आप इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका ना इस्तेमाल करना चाहें तो एक और आसान तरीका भी है। दूसरे तरीके में आपको एक ऐप अपने फोन पर डाउनलोड करनी होगी और उसकी मदद से आप WhatsApp के स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं। ये है वो ऐप जिसका नाम है स्टेटस डाउनलोडर फॉर WhatsApp। इसकी 4.3 की रेटिंग है और 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। पहली बार वो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा तो आप उसे अलाउ कर दीजिए।
अब ये तो है एड, चलिए हम स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये व्हाट्सएप स्टेटस है और ये व्हाट्सएप बिजनेस स्टेटस है। इसने दोनों एप्स के स्टेटस यहाँ पर ले लिए हैं। ये वो दो स्टेटस हैं जो मैंने अभी हाल ही में देखे थे, तो उसने अपने आप से ये डिटेक्ट कर लिए हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई भी डाउनलोड नहीं है। चलिए यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये देखिए ये इस तरह से आ गया। आप चाहें तो आप इसे सीधा ही अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेती हूँ। अब ये जो इमेज या वीडियो है ये आपके डाउनलोड्स में सेव हो गया है। चलिए ओके पर क्लिक किया, ये तो ऐड आ गई, इसे मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ से बाहर आए। यहाँ देखिए ये रहा डाउनलोड्स, इधर गए, ये देखिए ये वही फाइल है जो अभी मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड की है। ये व्हाट्सएप का स्टेटस हमने अपने फोन में इस ऐप की मदद से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लिया। जाने से पहले एक जरूरी बात, आपको पहले स्टेटस देखना होगा, उसके बाद ही आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने व्हाट्सएप का स्टेटस पूरी तरह नहीं देखा तो वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा, ये तरीके काम नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। क्या कैसे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता, थैंक यू, धन्यवाद।